जय हिंद। एसएससी का एग्जाम चल रहा है, उसमें ओलंपिक्स से क्वेश्चन होगा, ठीक है। वैसे तो हम करंट अफेयर कर रहे हैं जुलाई का, इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है एसएससी के लिए। पांच नए स्पोर्ट्स को लॉस एंजलिस में पांच नए स्पोर्ट्स को ऐड किया जाएगा। ये कौन कौन से हैं? क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। ये जो है पांच गेम्स को लॉस एंजलिस में 2028 में ऐड किया जाएगा। आप 2020 टेबल देख लो, और जो लोग ने कल एग्जाम जिनका है या आज का है एसएससी का, वो भी देख लो। 2024 ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? पेरिस फ्रांस, ठीक है। 2028 लॉस एंजलिस, 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, एंड 2036 इंडिया। इंडिया ने पहली बार, ब्रिटिश इंडियन प्लेयर था जिन्हें पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, वो था कौन? नॉर्मन पिचर। कौन था? नॉर्मन पिचर। नॉर्मन पिचर जो था 1900 में पार्टिसिपेट किया पेरिस ओलंपिक्स। कौन से थे वो? पेरिस ओलंपिक्स। नॉर्मन पिचर के बाद शेफ सुन ले, रिवीजन हो गया। नॉर्मन पिचर के बाद नॉर्मन पिचर ने दो अवार्ड लिए, वो थे सिल्वर, ठीक है, एथलीट्स का सिल्वर जीता। नॉर्मन पिचर के बाद केडी यादव पहले भारतीय इंडिविजुअल बनते हैं जिन्होंने क्या जीता, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और फर्स्ट फीमेल कौन थी जिसने पार्टिसिपेट किया बट कोई भी मेडल नहीं जीता, वो थी नीलिमा घोष। और पहली भारतीय फीमेल थी करुणा मल्लेश्वरी, 2000 सिडनी ओलंपिक्स में मेडल लाई थी। और करुणा मल्लेश्वरी भी वेट लिफ्टिंग की सेकेंड वुमन वेट लिफ्टिंग में बनती है मीराबाई चानू। और ये फर्स्ट वेट लिफ्टिंग प्लेयर है जिसने क्या लाया था, सिल्वर लाया था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर लाई थी, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में लाई थी सिल्वर, ठीक है। अभी तक कोई भी फीमेल जो है गोल्ड नहीं लाई, गोल्ड अभिनव बिंद्रा शूटिंग में लाया था। शूटिंग में तीनों मेडल आ चुके हैं, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। सिल्वर लाया था राज्यवर्धन सिंह और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज लाया था। ये आपका क्या रहा, ये शॉर्ट में है, रिवीजन कंप्लीट नहीं करवाएंगे क्योंकि इसको बार बार रिपीट करते हैं वैसे हम ओलंपिक्स को, ठीक है। ये थोड़ा हाईलाइट था ताकि आप याद करो। अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ से याद करेंगे, नीदरलैंड से, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन था कोई अनीश नहीं था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से कोई नहीं, ठीक है। नीदरलैंड जो है यूरोपियन देश है, यूरोस की करेंसी है। नीदरलैंड को, नीदरलैंड की कैपिटल जो है एम्स्टरडैम है, और दुनिया की सबसे बड़ी सबसे महंगी सिटी मानी जाती है एम्स्टरडैम। और नीदरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक शॉप। कौन बने हैं? डिक शॉप। रीअपॉइंटेड देखिए कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में। अब यहाँ पे नीदरलैंड है तो थोड़ा सा नीदरलैंड को हमेशा याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड, नीदरलैंड के द हेग, ठीक है, कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। आप देखिए इस साल भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं, ठीक है, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने, भारत की तीसरी बार प्रेसिडेंट बने नरेंद्र मोदी, स्पेलिंग गलती करें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने ये, ठीक है। और पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर बने वो भी सेकंड टर्म में बने। उसके बाद सीरियल रामाफोसा, सीरियल रामाफोसा भी सेकंड बार साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, याद रखें सीरियल रामाफोसा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी साउथ अफ्रीका के लिए। उसके बाद इसराइल के जो नितिन याहू है ये भी लगातार इसराइल के बार बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। इंडोनेशिया के भी बार बार पहले प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। और अब इजिप्ट का याद रखना है, इजिप्ट के मोहम्मद अल आदिब अल जो है ये भी दोबारा से क्या बने हैं, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर। कुछ लोग हैं जो बार बार अपने देश के क्या बनते जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस में भी इलेक्शन होने हैं, फ्रांस के
जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के हैं, ठीक है। फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट है वो अब इस साल नहीं बनेंगे, बड़े सारे लोग बोल रहे हैं इस साल शायद नहीं बने, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो इस साल बड़े सारे कंट्रीज में बड़े सारे इलेक्शन हैं अलग अलग कंट्री में, देखते हैं कितने रीअपॉइंट होते हैं, कितने नए लोग आते हैं। ये जो है डिक शॉफ, ये पहले इसके नीदरलैंड के, याद रखिएगा नीदरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन का नाटो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम में। कहाँ पे है? बेल्जियम में। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है नोबेल प्राइज वो भी यूरोपियन यूनियन में ही दिए, यूरोप में ही दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में, कहाँ पे? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। याद रखिएगा नोबेल प्राइज पीस का स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। क्या दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में? नोबेल पीस प्राइज, याद रखना, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज तो पता नहीं सर किसको मिला था 2023 में, नरगस मोहम्मद नरगिस को, ठीक है। इराक की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। ये देख लो, आगे देखते हैं क्या है। भजनलाल शर्मा जो है ये चीफ मिनिस्टर है राजस्थान जो है एग्जाम में रहता ही रहता है, क्योंकि इसके बड़े सारा वास जीके है राजस्थान की। राजस्थान में एक सिटी है जिसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जैसलमेर। राजस्थान में दुनिया का लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी डायल है जिसको हम क्या बोलते हैं? जंतर मंतर, ठीक है। और जंतर मंतर जो है स्वाई जयसिंह ने बनाया था। राजस्थान में हवा महल है, उस हवा महल में 153 क्या है? विंडोज है। राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। राजस्थान करेंगे तो महाराणा प्रताप नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप दुनिया के सेकंड वॉल जो है जिसको कुंभलगढ़ फोर्ट कहा जाता है वहां बॉर्न हुए थे। लार्जेस्ट वॉल जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, सेकंड वॉल जो है वो कौन सी है? कुंभलगढ़ फोर्ट। और कुंभलगढ़ फोर्ट जो है इंडिया की लार्जेस्ट वॉल है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। अगर हम देखें राजस्थान को, हम बहुत सारे पैलेसेस हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, बट इसको हम पैलेसेस या फोर्ट सिटी नहीं कहते हैं। राजस्थान पैलेसेस सिटी ऑफ पैलेसेस हम किसको कहते हैं? कोलकाता को। किसको कहते हैं? कोलकाता को। राजस्थान में बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक है। राजस्थान में सबसे बड़ी इनलैंड लेक है, ठीक है, मैन मेड लेक है। और बट राजस्थान को हम लेक सिटी नहीं कहेंगे, लेक सिटी ऑफ इंडिया हम कहेंगे भोपाल को, ये भी याद रखेगा। राजस्थान में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, ये न्यू प्राइम चीफ मिनिस्टर राजस्थान के बने हैं, इनका नाम है भजनलाल शर्मा। और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। पिंक सिटी जो है भारत की सेकंड वॉल सिटी बाय यूनेस्को की सेकंड वॉल सिटी कौन सी है? भारत की पिंक सिटी जयपुर। और फर्स्ट वॉल सिटी जो है वो कौन सी है? अहमदाबाद। कहां पे? गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान की जो हाईएस्ट पीक है उस पीक को हम क्या बोलते हैं? गुरुशेखर। अरावली के पहाड़, अरावली की सबसे बड़ी पीक है। गुरुशेखर में ही दुनिया का सबसे बड़ा जैन टेंपल है और इसको दिलवाड़ा टेंपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिलवाड़ा टेंपल। और राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है जिसको माउंट आबू कहा जाता है, राजस्थान डिवाइस होना, ठीक है। नेशनल पार्क जो है राजस्थान के वो अभी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, रणथंभौर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, रणथंभौर नेशनल पार्क भी है, क्लोडियो नेशनल पार्क भी है, और भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। और राजस्थान में एक ही न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत के 6-7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन में से एक रावा भट्टा जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन राजस्थान में है। ये आपकी जीएस हुई, एफ कैट में भी ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, CDS में भी होते हैं, NDA में होते हैं, CGL में भी होते हैं, JKSSB में भी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो हो सकता है। राजस्थान का एक डांस इंटेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डेट इज ए कलबेलिया। कौन सा है? कलबेलिया। राजस्थान का फोक डांस कौन सा है? घूमर। राजस्थान का फोक डांस जो है घूमर, ठीक है। राजस्थान में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, एक तो डेजर्ट फेस्टिवल है, एक है गंगोर। गंगोर कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। खिलजी, खिलजी आपको खिलजी जो खिलजी का पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो जो थे वो फाउंडर थे खिलजी के, ठीक है। मेडिवल में पढ़ोगे आप अलाउद्दीन खिलजी। स्लेव डायनेस्टी से आते थे, स्लेव डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी, पहले ये स्लेव थे, बाद में इन्होंने खिलजी की फाउंडेशन की आप अब, ठीक है। खिलजी बाद में इन्होंने खिलजी बनाया, खिलजी की फाउंडेशन बनाई किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई जो है किससे हुई? राजस्थान के राजा, राजस्थान के किंग कौन से? महाराणा प्रताप। जलालुद्दीन अकबर भाई, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी भाई, जलालुद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी है भाई। क्या बात करते हो, अलाउद्दीन खिलजी है भाई। रानी पद्मावत ने जोहर किया था, उसके हस्बैंड की लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। आपके लिए क्वेश्चन, मैनुअल पढ़ रहे हो, किसने किया था जो? शाहिद कपूर ने यार। किसने किया? रानी पद्मावत, महारानी पद्मावत ने। राजा ही है ना, रानी पद्मावत ने, राजा ने थोड़ा जोर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत तीन हुई, यहाँ पे राजस्थान में नहीं हुई, ठीक है, हरियाणा में बैटल ऑफ पानीपत, बट बैटल ऑफ हल्दी घाटी याद रखेंगे, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, पर अकबर ने नहीं लड़ी, मान सिंह ने। किसने लड़ी? मान सिंह ने। इसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं, और चेतक याद रखिए, महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम, ठीक है। रतन सिंह पहुंच गया, रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। तीन बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, पहली बैटल जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लास्ट मुगल था, इस लास्ट सल्तनत था, ठीक है। उसके बाद मुगल रूल आ गया, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी के साथ मुगल रूल जाता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी लास्ट दिल्ली सल्तनत था, उसके बाद क्या हुआ? मुगल जागे, बाबर आया। बाबर का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हिमू के साथ किसकी हुई? अकबर की। अकबर जीत जाता है और हिमू आ जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अफगान और मराठा के बीच हुई, अहमद शाह के अब्दली के बीच और मराठा के बीच। ये याद रखिएगा, तीनों ही याद रखने हैं आपके ज्ञान में। जो लोग आज भाई ठीक, जिनका एसएससी है ज्ञान के हिस्ट्री के लास्ट पेज में सारे शॉर्ट सारे दिए हुए, वो याद करके जाना, ठीक है। चलिए सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री ने क्या किया? यहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। और ये किसके कहाँ पे? कृषि ऊर्जा मंडी टोंक में ये क्या की गई है, स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम पिछले दो मंथ से या मंथ से कम आ रही थी, वापिस आ रही है, इनको लिखना है, क्योंकि इलेक्शन थे, लोग सारे इलेक्शन पे काम कर रहे थे, इसलिए नहीं आ रही। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ये नहीं आपको आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे गई, टोंक में की गई, कितने रुपीस रिलीज किए गया मुख्यमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि के लिए? 650 crore। और कितने लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा? 65 lakhs फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाएगा। डन, आपको समझ आया? अनन्या आया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के चीफ ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिफ्थ टाइम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली जुलाई जून में ही ये क्या बने हैं, सॉरी जुलाई में ही ये प्राइम चीफ मिनिस्टर बने।
जुलाई में था, जून में, जून में 4 जून को प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हुए ना, ठीक है, जून में बने हैं। इन्होंने भी एक एनटीआर जो थे वहां के बड़े फेमस फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे और ये पॉलिटिशियन भी थे एनटीआर, ठीक है, उन्हीं के नाम पे स्कीम लॉन्च की है एनटीआर रोसा पेंशन स्कीम इन द स्टेट, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आप देखो आंध्र प्रदेश से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण जी, तू खड़े हो, अनिश तो खड़े हो जा, उसने मुंह मोड़, ठीक है, आंध्र प्रदेश के क्लासिकल डांस को मणिपुरी नहीं है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, क्लासिकल डांस आ रहा है, क्लासिकल डांस से डेप्थ से क्वेश्चन आएंगे, जितना भी पहले क्लासिकल डांस की वीडियो करवाई है वो जरूर करके जाना, क्योंकि उसमें डिटेल में क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम, अट्टम कहाँ से आया वर्ड, कुचिपुड़ी जो डांस है, कुचिपुड़ी एक विलेज है आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पे ये डांसेस रखे गए हैं। डांसेस जो है देख सुन लीजिए, भारत में डांसेस कहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है, अब हम सब सोचते हैं कि साउथ इंडिया में हमको जब क्लासिकल डांसेस आते हैं, देर 8 क्लासिकल डांसेस, ओरिजिनली 7 क्लासिकल डांसेस थे, अब मणिपुर को ऐड कर दिया गया है, मणिपुर इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो मुंबई में कोई भी क्लासिकल डांसेस नहीं है, कर्नाटका में भी कोई क्लासिकल डांसेस नहीं है, अब यहाँ केरला के 2 क्लासिकल डांसेस है, ठीक है, केरला में 2 क्लासिकल डांस है, एक है मोहिनी अट्टम, एक है मोहिनी अट्टम, अब इसमें लिखना ही बड़ा मुश्किल है ना, और दूसरा कौन सा है, कथकली, कौन सा है, ठीक है। अब भारत का जिसको नहीं आता वो ट्रिक से देखिए, भारत की लास्ट स्टेट तमिलनाडु, भारत की, इसको ट्रिक समझिए, भारत की लास्ट स्टेट तमिलनाडु और उसका डांस है भरतनाट्यम, हो गया ट्रिक, भारत की लास्ट स्टेट तमिलनाडु और उसका क्लास का डांस क्या हो गया, भारत नट्यम, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया, के कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब चलते हैं असम, ठीक है, असम में छाता लेके तो घूम, छतरी लेके तो, डोगरी में छाते को छतरी और हिंदी डोगरी में छाते को छतरी बोलते हैं, ठीक है, छतरी, छतरिया डांस किसका है, छतरिया, असम, SHTRIYYA, छतरिया। फिर मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, ओडिसी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक दो तीन चार पांच छह सात हुए, कुचिपुड़ी ये रह गया ना, कुचिपुड़ी, अब एक रह गया, एक इतना इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्वेश्चन क्या आएगा, लच्छू महाराज का, ठीक है, लच्छू महाराज का क्वेश्चन आ सकता है, लच्छू महाराज कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएट है, लच्छू महाराज नॉर्थ इंडिया के कथक, नॉर्थ इंडिया के कथक, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में यूपी का क्लासिकल डांस का नाम क्या है, कथक। बड़े सारे लोग क्लासिकल डांसेस आते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि साउथ इंडिया के डांसेस है, पर ये साउथ इंडिया के डांसेस नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का डांस है, कथक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है एनडीए सीडीएस एफ कैट JKSSB SSC GED सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर रिविजन हो गए ये भी टॉपिक, ठीक। अब यहाँ पे बिरजू राम महाराज का प्रोमिनेंट, बिरजू ये डांसिस इंस्ट्रूमेंट भी आए होंगे कल, इंस्ट्रूमेंट भी आएगा भाई, इंस्ट्रूमेंट जितने भी है करके जाए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बिरजू महाराज का प्रोमिनेंट, सोनल मानसिंह वाज द फर्स्ट क्लासिकल डांसर टू वॉन भारत रत्न अवार्ड एज वेल एज द मैग्सेसे रोमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, रोमन सोनल मानसिंह, याद रखिएगा सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह है ना, इसको पहले भरतनाट्यम मिला है, पहला भारत रत्न अवार्ड मिला है क्लासिकल डांसर, पिछले दिनों में पूरे डिटेल में क्वेश्चन आए, सोनल मानसिंह है,
शिव तुमको तो पूरे डिटेल में क्वेश्चन आया है, उसको मैग्सेसी अवार्ड नहीं मिला। सोनल मानसिंह नहीं है, चेक करना, सोनल मानसिंह नाम गलत बोल रही है भाई। तुमको डिटेल में तो क्वेश्चन करवाया अभी, तुमको हाँ यस मैम, ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ठीक है। ये दीज आर द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। अब क्लासिकल डांसेस का सोर्स क्या है, क्लासिकल हमें डांसेस के बारे में कहाँ से पता चलता है? नित्याशास्त्र कौन, किसने लिखी? भारत मुनि ने, या भारत तेंदु या भारत मुनि, दोनों ही नाम आ सकते हैं। अब देखो आंध्र प्रदेश जो है ये साउथ इंडिया स्टेट है भारत की, इसकी कैपिटल अमरावती है। विशाखापट्टनम किसकी कैपिटल है? भाई आप अभी हुई नहीं है ठीक है, अमरावती ही लिखेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण डिप्टी सीएम है वहां, साउथ इंडियन के बहुत बड़े एक्टर भी हैं। गवर्नर अब्दुल नाजीर और असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट बारामती। ये अब नेक्स्ट देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल है एनएस राजा सुब्रमण्यम, इन्होंने क्या इनको वाइस चीफ बनाया गया है? एनएस राजा सुब्रमण्यम को। एनडीए वाले ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आएंगे, जिससे चीफ ऑफ आईबी कौन? तपन कुमार, 1 ईयर का एक्सटेंशन हो गया, मैंने पहले बढ़ा लिया। पहली वुमन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये एयरफोर्स की है ठीक है, ये नेवी की है, किसकी बनी है? ये नेवी में बनी है। अनामिका बी राजीव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई का वाई वी कृष्णा एंड एन वेणु गोपाला। चीफ ऑफ पर्सनल कॉर्प ऑफ इंडिया नेवी का ठीक है, वाइस एडमिरल संजय बल्ला। डीजी ऑफ एनएससी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फिर से कौन बन गया इसके चीफ? अजीत डोवाल ठीक है। अब ललित प्रभाकर और दलजीत सिंह चौधरी को रिप्लेस करके ललित प्रभाकर, और स्पेशल आईबी के सपना तिवारी बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए यहाँ से मैं यहाँ आऊंगी भाई, मैं आऊंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है। हम 1875 के लॉस पढ़ रहे ठीक है, अब सदी भी चेंज होगी, भारत में अंग्रेज भी चले गए, उसके बाद इतने सारे प्राइम मिनिस्टर भी आए, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था कभी 0 कभी 2 कभी 3 कभी 6 कभी 9 होती जा रही, बट हमारे वो पुराने लॉस, राजाओं के बने लॉस और ब्रिटिशर्स के बने लॉस चेंज नहीं हुए ठीक है। जब पहले हम जेएनके में लॉ पढ़ते थे ना, पहले क्या पढ़ते थे? बिफोर आर्टिकल 370 से पहले ठीक है। अगर हमने सीआरपीसी पढ़ा एक्सेप्ट जेएनके, वो क्या मीन एक्सेप्ट जेएनके में सीआरपीसी जेएनके में इम्प्लीमेंट नहीं होता, आईपीसी नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे रणबीर पैनल तोड़ना ठीक है, बट पहली ना ये लिखी होती थी एक्सेप्ट जेएनके, बट आफ्टर 370 के बाद ये सारे लॉज जेएनके में भी इम्प्लीमेंट हो गए। अब कौन कौन से लॉज है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आज देखो कौन कौन से लॉज हैं जो चेंज किए गए हैं जो ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एरिया में बने थे। इंडियन पिनल कोड आरपीसी बाई आईपीसी का बना 1860। सोचो जब यूरोप के लोग लॉन टेनिस के टूर्नामेंट करते थे ठीक है, 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया गया, 1973 में सीआरपीसी ये ठीक है, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया ठीक है, इनको चेंज किया गया इनके नाम ये। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा सीआरपीसी, भारतीय साक्षरता सबूत एविडेंस ठीक है, भारतीय साक्ष अधिनियम एक्ट ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट
इंडियन पीनल कोड एंड इंडियन क्रिमिनल कोड, ये तीनों ही चेंज हो गए, उनके नाम चेंज हो गए। आपको आसान ABC, ठीक है। और ये किसने चेंज किए, इंप्लीमेंट कब हुए, 1 जुलाई से। किसने किए, होम मिनिस्टर अमित शाह। क्या ये चेंज होने चाहिए थे? बिल्कुल। आप देखो हैदराबाद में पहली FIR क्या हुई, किसी ने FIR की, और किस अकॉर्डिंग, BNS के। BNS मींस भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। इसमें क्या कहा गया, ये जो हुई चार मीनार हैदराबाद में है, और वहां के पुलिस स्टेशन का नाम भी चार मीनार पुलिस स्टेशन है। वहां पे एक क्या हुई, FIR फाइल, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। FIR मीन्स फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया कि उसके आगे दो जो गाड़ियां चलती थी विदाउट नेम प्लेट चलती थी, उसके अगेंस्ट ये पहली FIR हुई। अब भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग भी क्या होगी, FIR कहां पे, चार मीनार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी, कौन सी भाई, रॉबरी की थोड़ी हुई है, या रिपोर्ट के मैंने लिखा नहीं है, रॉबरी की नहीं हुई है। ये क्या हुई है कि जो दो गाड़ियां चल रही हैं बिना नाम के चल रही हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट चलान, हाँ चलान थोड़ी तो रिपोर्ट की है किसी ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर तुम बोलना शुरू करते हो यहाँ। अब हैदराबाद देखो, हैदराबाद में, हैदराबाद को सिटी ऑफ नवाब नहीं कहा जाता, सिटी ऑफ निजाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ निजाम। सिटी ऑफ नवाब बोलते हैं हम लखनऊ को, सिटी ऑफ नवाब लखनऊ को, और सिटी ऑफ निजाम जो है ये किसको। अब जो हैदराबाद तक जूनागढ़ था, जब 1947 भारत का हुआ, जूनागढ़ जो था ये भी पाकिस्तान में मर्ज करने वाले थे, और भारत के जो होम मिनिस्टर थे कौन थे, सरदार पटेल ने रातोरात जूनागढ़ में अपनी इंडियन आर्मी भेजी, और ये हैदराबाद भारत में मर्ज हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब तेलंगाना तो अलग हो गया ना, ठीक है। अभी यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे पीवी सिंधु तेलंगाना चलेगी, ये पहले एक ही था, आंध्र प्रदेश की कैपिटल होती थी हैदराबाद, बाद में इनको दो राज्य अलग अलग किए गए, अलग अलग राज्यों में इनको कन्वर्ट किया गया। और तमिलनाडु नहीं हैदराबाद, याद रखिएगा, इसको सिटी ऑफ निजाम कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, चार मीनार, ये साइंस स्कूल में इसका क्वेश्चन आया था, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद, ये बड़े इम्पोर्टेंट। और रिमपैक का मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था, रिमपैक से, रिमपैक क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये पैसिफिक ओशन एक्सरसाइज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज है, ठीक है। इस साल हवाई में होगी, जापान में हवाई में कंडक्ट होने जा रही है। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया का कौन सा नेवल शिप है जो रिमपैक में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये है ये भारतीय, भारत में ही बना है INS शिवालिक, कौन सा है, INS शिवालिक। इससे पहले INS शिवालिक जापान में जिमेक्स में, जापान और इंडिया, जे से जापान, आई से इंडिया, मल्टी एक्सरसाइज, जिमेक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, और ये जो लार्जेस्ट वॉर गेम एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, जिसमें भारत के INS शिवालिक ने आप कह दिया पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसका थीम याद रखिएगा, ये बड़ी बार आता है, इसका थीम है पार्टनर इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, ठीक है, INS रिमपैक का थीम। रिमपैक कहाँ हो रहा है, हवाई में। और आपको भाई जी जिनका NDA CDS नेक्स्ट ईयर है, वो याद रखिए, वो ये भी पूछ सके 2024 में रिमपैक की समिट कहाँ हुई, हवाई में हुई। भाई तुम्हें अब डिफेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें लेके चलो, कितने बड़े पेपर होने हैं, तो अभी जो नए नए हो रहे हैं वो ठीक है, जब लास्ट में जो होने वाले हैं
उनमें तो डिफेंस के भी 5-6 क्वेश्चन थे रात को। इंडियन आर्मी एक्सरसाइज मैत्री, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच होते, किसके भी इंडिया और थाईलैंड के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसको मैत्री एक्सरसाइज। इस साल मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड में हो रही है, लास्ट ईयर मेघालय में हुई थी उमराव में, मैं लिखी नहीं है क्या, मेघालय में हुई थी उमराव में, ठीक है ये भी आप रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूरे बनाने हैं आपको उनके टेबल भाई। अभी एक्सरसाइजेज आ रही है 2019 से पहले, बाद जो एक्सरसाइज आती थी वो ये नहीं पूछते मैत्री किसके बीच हुई या जिम मैक्स किसके बीच हुई, मालावार किसके बीच हुई, पूछते हैं कि 2002 में कहां पे हुई। सबमिट बना के चलिए एनडीए वाले, कल मुझे अपना मैत्री की जितने भी एक्सरसाइज सबमिट सुनी है कहां हुई है, सीडीएसएफ के एक्ट वाले जितने भी डिफेंस वाले बच्चे हैं वो सारे मुझे मैत्री और जिम मैक्स की सारा का टेबल बना के दिखाएंगे भाई। आपको काम दे रही हूँ करो, फायदा होगा ठीक है। और नेक्स्ट है कि नोमैडिक एलिफेंट जो होती है मंगोलिया और भारत के बीच होती है। नोमैड्स मंगोल पहले थे जो भारत में आए, मंगोल जहाँ पे मंगोलिया लोग रहते हैं, मंगोल जाते हैं वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वो एक नोमैड्स है, ये एक बहुत बड़ी नोमैड्स है। और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट गोबी डेजर्ट पाया जाता है मंगोलिया में, ठीक है कौन सा, गोबी डेजर्ट, डेजर्ट कर जाना ठीक है, मंगोलिया में पाया जाता है। और सहारा डेजर्ट दुनिया का हॉटेस्ट बड़ा सबसे बड़ा डेजर्ट है ठीक है, अफ्रीका में है। दुनिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है अंटार्कटिका में है, उसको व्हाइट डेजर्ट या कोल्डेस्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का द ग्रेट थार डेजर्ट को, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट को भारत का क्या कहा जाता है, ईरान का, ईरान का डेजर्ट का नाम बोलो कोई, दस्ते लुत एंड दस्ते खाबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगातार एग्जाम में ईरान का डेजर्ट पूछे जा रहे हैं। पेटेगोनिया, पेटेगोनिया कहाँ का डेजर्ट, अंकुश मैं अगर होती ब्रिगेडियर सोच क्या आज ग्राउंड की सैर करवाती इसको, माँ के दिल में ही होते हैं बच्चे, पाँव में नहीं होते ठीक है। 16 एडिशन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। अब देखो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी पहले होसिंग में थे ठीक है, अब इनको कौन सा दिया गया पोर्टफोलियो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हरदीप सिंह पुरी कौन है, हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इन्होंने एक ये हर साल आता है, हम पिछले 4-5 साल से पढ़ रहे हैं स्वच्छ पखवाड़ा ठीक है, ये इन्होंने स्वच्छ पखवाड़ा में टॉयलेट्स के लिए स्कूल में बड़ा गंद उठवाया ना, हाँ स्वच्छ ठीक है क्योंकि अब वैसे मैंने आपको बोला कि गांधी जी आने वाले हैं 2 अक्टूबर को, अब इंडिया को स्वच्छता याद आती है, स्वच्छ भारत ठीक है। स्वच्छ पखवाड़ा जो है ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई शास्त्री भवन में, और इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी इसने की हरदीप सिंह पुरी, और इसमें कहा गया कि भारत में 12 करोड़ टॉयलेट, भाई भारत में टॉयलेट बनने चाहिए थे कि नहीं, मैं बनने चाहिए थे नहीं, थैंक यू जय हिंद। अब इस पे डिस्कशन करेगा ऋषभ मिश्रा।